नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक अनोखे मंदिर की जहां शिव जी की अंगूठी की होती है पूजा। बता दें, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का महत्व कितना अधिक है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति पूजा पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है। आपको बताएं तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होने की मान्यता है और इन 33 करोड़ देवी देवताओं में से कुछ देवी देवता को हर जगह पूजा जाता है। इनमें से एक है देवों के देव महादेव। भोलेनाथ के भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में स्थित है। यही वजह है कि भगवान शिव की दुनिया के अन्य प्रांतों में भी कई प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि हर मंदिर के अपने अलग महत्व होते हैं, हर मंदिर की अपनी खासियत होती है और भगवान शिव के मंदिरों में या तो उनकी मूर्ति की पूजा होती है या शिवलिंग की। लेकिन आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां होती है भगवान शिव के पैर के अंगूठी की पूजा। बता दें कि आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो राजस्थान के माउंट आबू के अचलगढ़ में स्थित अचलेश्वर मंदिर है, जहां पर भगवान शिव के पैर के अंगूठी को पूजा जाता है। आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दें कि माउंट आबू राजस्थान का एक अकेला हिल स्टेशन है और इसे अर्धकाशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों की माने तो अगर वाराणसी महादेव की नगरी है तो माउंट आबू शिव जी की उपनगरी है। ये मंदिर अचलगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है और इस मंदिर की एक मान्यता है कि यहाँ पर शिव जी के पैर के अंगूठे को पूजा जाता है। आपको बता दें, मंदिर में प्रवेश करते ही पंच धातु की बनी नंदी की एक विशाल प्रतिमा है जिसका वजन 4 टन। मंदिर के अंदर गर्भगृह में शिवलिंग पाताल खंड के रूप में दृष्टि गोचर होता है, जिसके ऊपर एक तरफ पैर के अंगूठे का निशान उभरा हुआ है, जिन्हें स्वयं शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यह देवाधिदेव शिव का दाहिना अंगूठा माना जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि इसी अंगूठे ने पूरे माउंट आबू के पहाड़ को थाम रखा है। जिस दिन अंगूठे का निशान गायब हो जाएगा, माउंट आबू का पहाड़ खत्म हो जाएगा। अब आपको हम मंदिर के पौराणिक तथ्य से भी अवगत करवा देते हैं। पौराणिक काल में जहां आज आबू पर्वत स्थित है, वहां नीचे विराट ग्रंथ खाई थी। इनके तट पर वशिष्ठ मुनि रहते थे। उनकी गाय कामधेनु एक बार हरी घास चरते हुए ब्रह्म खाई में गिर गई, तो उसे बचाने के लिए मुनि ने सरस्वती गंगा का आह्वान किया, तो ब्रह्म खाई पानी से जमीन की सतह तक भर गई और कामधेनु गाय को मुख बाहर जमीन पर आ गई। एक बार दोबारा ऐसा ही हुआ। इसे देखते हुए बार बार के हादसे को टालने के लिए वशिष्ठ मुनि ने हिमालय जाकर उसे ब्रह्मा खाई को पाटने का अनुरोध किया। हिमालय ने मुनि का अनुरोध स्वीकार कर अपने प्रिय पुत्र नंदी बद्रधन को जाने का आदेश दिया। अर्बुद नाग नंदी बद्रधन को उड़ाकर ब्रह्मा खाई के पास वशिष्ठ आश्रम आया। आश्रम में नंदी बद्रधन के ने वरदान मांगा कि उसके ऊपर सप्त ऋषियों का आश्रम होना चाहिए व पहाड़ सबसे सुंदर व विभिन्न वनस्पतियों वाला होना चाहिए। वशिष्ठ ने वांछित वरदान दिए। इसी प्रकार अर्बुद नाग ने वर मांगा कि इस पर्वत का नामकरण उसके नाम से हो। इसके पास नंदी बद्रधन आबू पर्वत के नाम से विख्यात। वरदान प्राप्त कर नंदी बद्रधन खाई में उतरा तो धसता ही चला गया। केवल नंदी बद्रधन का नाक एवं ऊपर का हिस्सा जमीन से ऊपर रहा, जो आज आबू पर्वत है। इसके बाद भी वह अचल नहीं रह पा रहा था। तब वशिष्ठ के विनम्र अनुरोध पर महादेव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे पसार कर इसे स्थिर किया, यानी अचल कर दिया। तभी यह अचलगढ़ कहलाया। तभी से यहाँ अचलेश्वर महादेव के रूप में महादेव के अंगूठे की पूजा अर्चना की जाती है। इस अंगूठे के नीचे बने प्राकृतिक पाताल खड्डे में कितना भी पानी डालने पर खाई पानी से नहीं उतरता। इसमें चढ़ाया जाने वाला पानी कहा जाता है, यह आज भी एक रहस्य है। बता दें कि ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है।
ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।